हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जेई का पार्ट फोर जो 10 क्वेश्चन रहेगा 24 मार्च 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था उसका सेशन लेने वाले हैं, जो नेक्स्ट 71 से स्टार्ट होगा। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि देखिए, इफ़ द वायरिंग इन अ बिल्डिंग एस अ 2.4 किलो वाट लोड, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। देखिए हम यहीं से ही समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमारा क्या दिया है, हमारा देते हैं 2.4 किलो वाट लोड दिया हुआ है, ठीक नहीं। वाट विल बी द परमिसिबल इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इसका मतलब है परमिसिबल इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकालना है, और इसका टू अर्थ फॉर 240 वोल्ट सिस्टम ऑफ सप्लाई, इसमें वोल्टेज दिया है और पावर दिया है, ठीक नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर परमिसिबल इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकालना है, तो परमिसिबल इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, R इज इक्वल टू क्या होता है, तो R इज इक्वल टू क्या होता है, देखते हैं कि हम यहाँ पर V बाई I के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। तो V बाई I के रूप में देखते हैं, तो यहाँ पर एक पॉइंट है जो हमारा जो I है, ये जो I हमारा क्या जो लीकेज करंट को शो करेगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ परमिसिबल इंसुलेशन रेजिस्टेंस को शो कर रहे हैं, इसलिए हमारे तो हैं आई जो हमारे तो हैं लीकेज करंट को शो करते हैं, ठीक है। तो हमारा वोल्टेज तो यहाँ नॉर्मली दिया हुआ है, तो लीकेज करंट ही निकालना है हमें, ठीक है। तो लीकेज करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारा लीकेज करंट का फार्मूला क्या होता है कि 1/5000 इंटू IFL, इसका मतलब होता है फुल लोड करंट, ठीक है। तो फुल लोड करंट अब हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू V बाई I होता है, ठीक है। तो यही हमारा जो होता है IFL का मान होता है, यही हमारा होता है फुल लोड हर्ट है, ठीक है। तो यहाँ से हम जो होता है IFL निकालेंगे, तो क्या होता है हमारा, ये हो जाएगा P बाई V। अब P हमारा कितना है, 2.4, इसका मतलब होता है 400 लिख सकते हैं, और वोल्टेज हमारा होता है 240, यहाँ से हमारा आ जाता है कितना है, ये 0-0 कर जाता है, और यह होता है 24110, ये हमारा होता है फुल लोड करंट का मान आ जाता है। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि लीकेज करंट, तो 1/5000 इंटू 10, यहाँ से हमारा होता है लीकेज करंट निकल जाएगा, तो यहाँ पर 1/500 हमारा होता है लीकेज करंट का मान हो जाता है। अब इसी में रख देते हैं, तो भी का मान हमारा कितना है, 240 वोल्ट है, और लीकेज करंट का मान हमारा क्या है, 1/500 हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही इस प्रकार से इसको हम इसको ऊपर ले जाएंगे, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, जिस प्रकार से देख सकते हैं कि इस साइड लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, ये है, देखिए ये इतना तो आ गया। तो हमारा तो है फाइनल R का मान कितना हो जाता है, 240 इंटू ये, जैसे कि ऊपर चला जाए तो ऊपर चला जाए क्या, कितना हो जाएगा, 500, ठीक नहीं, 500 हो जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कितना हो जाता है, 200, और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 5×5=20 का शून्य हासिल है 2, और 5×2=10, 10×2=12, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर हम देखते हैं ये वाला हमारा, जिस प्रकार से देख सकते हैं ये हमारा इतना आ जाता है, इतना आने के बाद देखते हैं कि 12 यहाँ पर कहीं पर है क्या, हाँ 12 है। अब यहाँ पर मेगा ओम में है, तो मेगा ओम में तो है, अब इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि 6, तो 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर 5, और ये 6, इसका मतलब होता है 0.12 मेगा ओम, इतना हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाने वाला है। अब यहाँ पर देखते हैं कि अ सीरीज मोटर इज़ बेस्ट सुइटेड फॉर ड्राइविंग, देखिए यहाँ पर जो होता है इसमें कौन सा सीरीज मोटर जो होता है जो ड्राइविंग के लिए हमारे होता है बेस्ट सुइटेबल होता है, ठीक है। तो इसमें हम जिस प्रकार से देख सकते हैं कि जो, अब देखिए देखते हैं कि लेथ हैं, क्रेन एंड हॉइस्ट,
ये जो क्रेन एंड हॉइस्ट है ये हमारा जो है सीरीज मोटर होता है जो ड्राइविंग के लिए बेस्ट सूटेबल होता है। अब इसमें और पॉइंट है देख सकते हैं, जिस प्रकार से लेथ मशीन है, तो लेथ मशीन में हमारा कितना है, क्या है लेथ मशीन में हमारा क्या चीज़ है कि ये यहाँ पर देख सकते हैं लेथ मशीन हमारे होते हैं डीसी संट मोटर के लिए यूज होता है, ठीक है। और उसी प्रकार से ठीक है ना, सेयर्स एंड पंचर्स यहाँ पर देख सकते हैं ना, सेयर्स एंड पंचर्स के लिए क्या होता है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि सेयर एंड पंचर यहाँ पर तो बहुत सारा है, तो इसको समझ लेते हैं। डीसी संट मोटर, डीसी संट मोटर में हमारे होते हैं लेथ मशीन में यूज होता है फेन, ब्लोअर, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है, वुड वर्किंग, इंडस्ट्रियल मशीन टूल्स, स्पिनिंग और वेविंग, ये सभी जो है डीसी संट मोटर में यूज़ होता है। उसी प्रकार से डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर का देखते हैं कि ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, ट्रॉली, कार, क्रेन, हॉइस्ट, ये जितना भी हमारे होते हैं सीरीज मोटर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और ये और आगे कन्वेयर बेल्ट ये सब चीज़, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्या आता है कि हमारे होते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, ठीक है। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर हमारा एलिवेटर है, कंप्रेसर है, रोलिंग मिल है, प्रिंटिंग प्रेस, टॉर्क, लोड शेयरिंग, सीयर्स एंड पंचर्स, ये सीयर्स एंड पंचर्स ये यहाँ पर दिया हुआ था। तो ये हमारे होते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, अगर यदि बोलेगा ना तो इसको हमें टिक करना है। और अगर यदि मशीन टूल सब बोल दिया तो मशीन टूल्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डीसी संट मोटर यूज़ करते हैं, जो यहाँ पर जिस प्रकार से देखते सकते हैं मशीन टूल्स, ठीक है। ये हमारा मशीन टूल्स है, ये इसको बहुत ही अच्छा है, याद रखने वाले चीज़ हैं जो अधिकतर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये देख सकते हैं। अब इसी प्रकार से हम ये तो अब यहाँ पर हमारे होता है एसी सिंगल फेज, सिंगल फेज एसी मशीन में बहुत सारा टाइप्स का होता है, इसका भी हम एप्लीकेशन को देख सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर होता है स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, फिर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, और यहाँ पर रिपल्सन मोटर, ठीक है, और इनवर्ट यूनिवर्सल मोटर है, उसी प्रकार से रिलक्टेंस मोटर है, फिर हिस्टरेसिस मोटर है, फिर स्टेपर मोटर है, और एक सर्वो मोटर। इस प्रकार से हमारा होता है फाइनल एसी जो सिंगल फेस एसी मोटर हैं, इसके बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि लाइटिंग इन रेस्टोरेंट एंड मॉल इज़ एन एग्जाम्पल आप, ठीक है, नहीं रेस्टोरेंट और मॉल में जो लाइटिंग होता है वो कौन सा लाइटिंग यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो लाइटिंग है ये नॉर्मलतः कमर्शियल लोड के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब जिस प्रकार से फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट में इंडस्ट्रियल लोड, तो इंडस्ट्रियल लोड तो बड़े 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 इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर डोमेस्टिक लोड, डोमेस्टिक लोड जो घरों में यूज़ होता है वो हमारा डोमेस्टिक लोड कहलाता है। अब एग्रीकल्चर लोड, एग्रीकल्चर लोड नॉर्मलतः किसान जो पंप कनेक्शन होता है उसके लिए हमारा एग्रीकल्चर लोड होता है, लेकिन कमर्शियल लोड हमारा होता है बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, मॉल हो गए हैं और हॉस्पिटल हैं, ये सभी के लिए हमारे होते हैं कमर्शियल लोड यूज़ होता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि इन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, देखिए आर्क वेल्डिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, द डिफ्लेक्शन ऑफ आर्क फ्रॉम द वेल्ड पॉइंट इज कॉल्ड, ठीक है। यहाँ पर वेल्ड हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर वेल्ड हो रहा है, लेकिन जो तो है वेल्ड पॉइंट से आर्क का डिफ्लेक्शन हो जाना, इस पॉइंट में डिफ्लेक्शन हो जाना, ये हमारा क्या कहलाता है, आर्क ब्लो कहलाता है, ठीक नहीं। आर्क ब्लो का ही ये हमारा डेफिनेशन है कि आर्क का डिफ्लेक्शन होना, एक जगह से दूसरे स्थान जाना, जिस प्रकार से यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर हमारा तो है आर्क होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ना होकर इस पॉइंट पर हो गया है, जिस प्रकार से देख सकते हैं ये ऊपर उठा हुआ है, इसी प्रकार से ऊपर उठा हुआ है, ये हमारे होता है आर्क का डिफ्लेक्शन हो जाना कहलाता है। एक्चुअल में जिस पॉइंट पर होना चाहिए उस पॉइंट पर ना होकर दूसरे जगह हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि देखिए ये भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
यहाँ पर अ नेटवर्क हैज 8 ब्रांचेस 3 इंडिपेंडेंट लूप हाउ मेनी नोड। देख, 3 पॉइंट दिया है, एक ब्रांच है, एक लूप है और एक नोड है। ये तीनों का ही खेल है जो नोड को डिफाइन करना है। तो हम जानते हैं कि L इज इक्वल टू बी माइनस एन माइनस वन, ठीक है, ये इस चीज़ को याद रख लेना और इसी में ही लिख देना है, ठीक है। अब L क्या है, दिया हुआ है इंडिपेंडेंट लूप 3, ठीक है, ये हमारा 3 दिया हुआ है, ब्रांच दिया हुआ है हमारा 8 है, ठीक है, सॉरी, देखिए यहाँ पर ब्रांच दिया हुआ है, तो ब्रांच जो हमारा होता है 8 हो जाता है, और नोड निकालना है n फिर माइनस वन, ओके। अब n को इस साइड ले जाते हैं, n इज इक्वल टू 8 माइनस 3 माइनस वन, तो इसका हमारा टोटल कितना आ जाता है 3 4, तो हमारा होता है इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हैं, ये हमारा प्लस वन होता है, ठीक है, प्लस वन होगा एक्चुअल में, ठीक है, तो 8 9 9 में 3 गए तो 6 हो जाता है हमारा आंसर, 6 आंसर आ जाता है, ये इस फार्मूला को याद रख लेना, 6 ए हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। देखिए ये हमारा तो है नोड इक्वेशन भी है जो एन माइनस वन होता है। अब इसका होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि अ करेंट कैरिंग कंडक्टर इज रेप 8 टाइम अराउंड द जॉ ऑफ क्लैंप ऑन मीटर दैट रीड, कितना रीड करता है 50 एम्पियर, व्हाट विल बी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कंडक्टर करंट। देखिए इसमें क्या कह दिया है कि जो हमारा तो है करंट रीड करता है कितना 50 एम्पियर को, तो हम एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंडक्टर करंट को बताना है। तो हम जानते हैं कि वी फेस, ठीक नहीं, इसका मतलब वी टू बाई वी वन इज इक्वल टू आई वन बाई आई टू होता है, ठीक है, तो हमें किसका मान निकालना है, तो हमें जो होता है आई वन है, सॉरी ये जो हमारा जो है यहाँ पर होता है वी टू और वी वन, तो यहाँ पर होता है वी टू और वी वन कितना है इसमें, जिस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पर नहीं दिया है ना। अब यहाँ पर तो है 8 टाइम अराउंड बोला है, इसी को ही लेकर चलना है, तो यहाँ पर 8 टाइम अराउंड बोला है, तो ये वाला जो हमारा होता है तो 8 टाइम अराउंड है, इसका मतलब होता है ये हमारा होता है प्राइमरी है जो एन वन का मान है, और इसका मतलब ये है जो हमारा होता है सेकेंडरी है जो एन टू का मान है, तो इसमें एक और जोड़ देते हैं, तो एन टू बाई एन वन इज इक्वल टू वी फेस टू इज बाई वी वन इज इक्वल टू आई वन बाई आई टू, तो हमारा होता है एन टू हमारा कितना है 8 टाइम है, 8 टाइम लिख देते हैं, तो 8 बाई एन वन कितना है 1 है, और यहाँ से हम जिस प्रकार से देख सकते हैं कि ये वाला जो होता है हमारा, ये हमारा होता है आई वन का मान है 50 है, तो हम आई टू का मान निकाल देंगे, तो आई टू का मान निकालेंगे तो यहाँ से हम आई टू यहाँ से आ जाएगा और 50 बाई 8, ये 50 बाई 8 को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाता है, ये इतना हो गया, तो 8 8 3 24 8 6 48 हो गया और 2 बचा, ठीक नहीं, और 8 2 16 और 8 5 40, ये हमारा होता है 6.25 एम्पियर आंसर आ जाता है। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इसका मतलब सीआरएस शॉर्ट नेम होता है, कैन नॉट बी मेजर यूज, ठीक नहीं, तो ये जो हमारा होता है किसको मेजर नहीं करते हैं, तो किस किस चीज़ को मेजर नहीं करते हैं, देख सकते हैं कि सीआरओ जो है कैन नॉट बी मेजर, पावर और आरएमएस वैल्यू, ये दोनों को ही बस मेजर नहीं करते हैं, बाकी इसमें सभी चीज़ को मेजर करेगा, तो यहाँ पर कहीं है क्या पावर, तो ये हमारा सी फाइनल आंसर आ जाता है, ठीक है, ये जिस पर देख सकते हैं कि डायग्राम सीआरओ का डायग्राम है। अब इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि व्हाट व्हाट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन इन अ
थ्री फेस ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड ओपन डेल्टा कनेक्शन। ओपन डेल्टा कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर सिंबल में ही देख सकते हैं कि जो डेल्टा डेल्टा होता है इसका कोई भी एक पॉइंट को ओपन कर देते हैं, इस ये दोनों पॉइंट को, तो हमारा कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, या फिर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। देखिए अगर यदि हमारा तो है डेल्टा डेल्टा रहता है, ठीक है, तो जो ओपन ओपन जो कनेक्शन है, जो भी कनेक्शन है, तो भी कनेक्शन का जो होता है कनेक्शन का जो होता है कैपेसिटी है, भी कनेक्शन का जो कैपेसिटी है वो, इसका मतलब होता है ओपन डेल्टा का कनेक्शन का कैपेसिटी है, ये हमारा तो है 57.7% डेल्टा डेल्टा का कैपेसिटी के बराबर होता है। इसका मतलब होता है ओपन डेल्टा का कैपेसिटी हमारा कितना होता है 57.7% होता है। ये भी एग्ज़ाम में आता रहता है अधिकतर। अब इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोलते हैं कि चूज इन करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूज़र, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूज़र में हमारा होता है कौन सा इनकरेक्ट है, ये इस चीज़ को बताना है। द आउटपुट कैन बी इंडिकेटेड एंड रिकॉर्डेड, देखिए इंडिकेटेड और रिकॉर्डेड बोल दिए है ना, रिमोटली एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंसिंग मीडियम, ठीक है, ये हमारा होता है करेक्ट है, ठीक है, इसका मतलब ये गलत है, इनकरेक्ट बोल रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक एम्प्लीफिकेशन एंड अटेन्युएशन कैन बी ईजिली डन, ये भी हमारा करेक्ट है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर बोलते हैं, देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन आर मिनिमाइज्ड, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि मिनिमाइज्ड बोला है, तो इसलिए ये भी हमारा करेक्ट है, इसलिए ये भी गलत है। अब फाइनल देखते हैं कि डी हमारे तो हैं मास इनर्सिया इफेक्ट आर मैक्सिमाइज्ड, ठीक है, ये मैक्सिमाइज्ड ना होके है यहाँ हमारा, अगर यदि मिनिमाइज होता तो ये भी हमारा करेक्ट होता, इसलिए हमारे ये डी आंसर आ जाता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चूज़ द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच इन अ मटेरियल विथ अब्सोल्यूट परमेबिलिटी एज, ये हमारे तो हैं म्यू, ठीक है, तो इस चीज़ में रिलेशन बताना है तीनों में, तो हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल होता है बी इज इक्वल टू क्या होता है म्यू एच होता है, बी इसका मतलब होता है फ्लक्स डेंसिटी, एच मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और म्यू हमारा क्या होता है परमीएबिलिटी होता है, जो एक म्यू ज़ीरो होता है और एक म्यू आर होता है, तो म्यू ज़ीरो ये हमारा होता है अब्सोल्यूट परमीएबिलिटी होता है और म्यू आर हमारा होता है रिलेटिव परमीएबिलिटी होता है, ठीक है, तो ये हमारा, और इस प्रकार से H भी हम देख सकते हैं कि H इज इक्वल टू क्या होता है एन आई बाई एल होता है, और एक और क्या होता है I इज इक्वल टू 2πr, ये दोनों फार्मूला याद रखने वाली चीज़ हैं जो अधिकतर किसी में एक न्यूमेरिकली रूप में पूछा जाता है। सो थैंक यू एंड वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब।